दिल्ली के रोहिणी में फ्री कैंसर चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। इस निशुल्क कैंप का आयोजन आप कार्यकर्ता बॉबी सहगिल द्वारा किया गया। इस फ्री चेकअप कैंप में महंगे टेस्ट BLK हॉस्पिटल व मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से बिल्कुल फ्री में किए गए। इस कैंप का मकसद था लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। दिल्ली में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से रोहिणी सेक्टर 8 में साहिल मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक और आप कार्यकर्ता बॉबी सहगिल की तरफ से एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप BLK हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर अलग अलग विभाग के डॉक्टर मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को निःशुल्क चेकअप और परामर्श दिया। फ्री चेकअप कैंप का आयोजन खास तौर पर महिलाओं के लिए किया गया था, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत ज्यादा रहती है। इसी को ध्यान में रखकर यह फ्री कैंप का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इस निःशुल्क कैंप का फायदा उठाया और डॉक्टरों ने भी बड़ी सहनशीलता के साथ लोगों का सहयोग किया। जबकि दूसरी ओर इस कैंप में बुजुर्गों को निःशुल्क PF एंड ट्राफ की सुविधा प्रदान की। आपको बता दें, बॉबी सहगिल वर्षों से इस तरह के कई फ्री चेकअप कैंप का आयोजन करते आ रहे हैं और काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के टेस्ट लोगों की पहुंच से दूर रहते हैं, जिसका लोग अमूमन टेस्ट नहीं करवा पाते थे, लेकिन करीबन 20,000 से 25,000 की लागत में आने वाले टेस्ट यहाँ बिल्कुल फ्री में किए गए। बॉबी जी, आज यहाँ पर आपने कैंप लगाया हुआ, लगातार हम देखते आ रहे हैं, कई सालों से आप जो है जनसेवा में लगे हुए हैं, आज के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर, आज का कैंप जो है थोड़ा हटके है, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि कैंसर का जो कैंप होता है ये बहुत महंगी बीमारी है। भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी हो। ये मैं एक साल से प्रयास कर रहा था, कम से कम 1-1.5 साल से, कि किसी तरह मेरे को ऐसा कैंप मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ BL कपूर हॉस्पिटल एंड मैक्स हॉस्पिटल, जिनके सौजन्य से मुझे कैंप मिला और मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि भी अगर भगवान ना करे किसी को कोई कैंसर का कोई डिटेक्ट होता है, तो ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट के माध्यम से, बीइंग ए मेंबर ऑफ हॉस्पिटल अंबेडकर, मैं उनकी ये भी हेल्प करूँगा। ये मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ, मैं मेंबर बन होने के नाते मैं हेल्प करूँगा अगर किसी का भगवान ना करे डिटेक्ट होता है तो। भूमि जी, ये जो टेस्ट जो हो रहे हैं महंगे टेस्ट, आपने बताया कि 20,000 का टेस्ट है, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये हॉस्पिटल की तरफ से या आपकी तरफ? नहीं सर, मेरी सिर्फ एफर्ट्स हैं, मेरी सिर्फ मेहनत है और मेरे जो वार्ड के जो मेरे साथ के जो साथी हैं मेरे, हम उनकी मेहनत है, बाकी टोटली फ्री है। मतलब यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल बीस टू एनीबॉडी, टोटली फ्री है सर, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है सर। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन अप्रॉक्स 80 के आसपास मेरे ख्याल हो चुके हैं जी, 75-80 के आसपास हो चुके हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो टेस्ट आप करा रहे हैं उनकी कॉस्टिंग क्या होगी और उसका जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनका क्या रिव्यू है अभी तक? रिव्यू तो सर अच्छा है, रिव्यू तो देखिए कि जिस बंदे का 20,000, 15,000, 25,000 बच रहा होगा उसका रिव्यू तो अच्छा ही होगा सर, हर आदमी चाहता है। क्योंकि इस एज में आने के बाद बेसिकली क्या है, लेडीज़ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्टेड होते हैं, तो ये उसका मेमोग्राफी तक के टेस्ट जो हैं वो टोटली फ्री, बाहर बस खड़ी हुई है हॉस्पिटल वालों की। और जेंट्स के प्रोस्टेट के हैं, उस चीज़ के सारे कैंसर के हैं, माउथ कैंसर का है, और उसके BP, शुगर, ECG और डॉक्टर्स की टीम जो मैक्स की और BL कपूर की जो टीम अंदर बैठी हुई है वो बहुत इफेक्टिव होता है सर, इनका नाम ही बहुत है सर। चिंतित रहती है, डॉक्टरों को चेक नहीं करवा पाती है। हाँ जी, आपके इस कैंप में अभी तक कितनी महिलाओं ने भागीदारी की? बहुत महिलाएं आ रही हैं। असल में क्या होता है ना कि हल्का सा शक भी पड़े महिलाओं को तो एक टेंशन बनी रहती है, तो हॉस्पिटल ना जाके उनको लगता चलो अपना शक दूर करें, भगवान ना करे किसी को निकले, पर अगर किसी को हो गया डिटेक्ट हो गया तो ऐसे नहीं है, मतलब ये कि शुरू में ही बीमारी पकड़ी जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अभी हमने देखा कई बुजुर्ग महिलाएं जो थी उनको आप लोग खुद जो है आप और बॉबी हाँ लेकर के आ रहे थे, सीनियर सिटीजन जो है, तो कैसा अनुभव रहा और लोग क्या कह रहे हैं आप? बस दुआएं मिलती हैं लोगों की, क्योंकि हर कोई कोशिश करता है आने की, लेकिन वो ये कई नहीं आ पाते, कई प्रॉब्लम होती है, तो हम फ़ोन कर करके सबको बुलाते हैं। और अगर हमें खुद फ़ोन आते हैं लोगों के कि भाई बेटा मैं नहीं आ सकता या मैं नहीं आ सकती, तो हम कहते हैं कोई नहीं आंटी, हम लेने आ जाएंगे, फिर हमने गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी हम भेजते हैं, हाँ पिक एंड ड्रॉप का है, हम खुद लेकर आते हैं और छोड़ कर आते हैं, लेकर आते हैं। ये है कि बस जन सेवा है, जन सेवा में लगे हुए हैं, बस भगवान देख ही रहे, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए अपना। राधा रानी। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या यहाँ पे आपने देखा और क्या वजह थी, क्या कैसे आए?
हमें मोना ने बॉबी ने दो बारी मुझे फ़ोन किया कि आंटी यहाँ पे कैंप लग रहा है और आप आइए औरों को भी लेके आइए, और अलग अलग जैसे ECG है, शुगर का है, बहुत सारे टेस्ट है, मेन कैंसर का है। और जैसे ही मतलब मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी, तो दोनों मुझे उल्टा लेने पहुँचे हैं घर पे, और मुझे स्पेशल जैसे सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट मिलती है, कोई रिस्पेक्ट दी है। और भी लोग थे मेरे साथ और हम यहाँ आए, और जो टेस्ट हुए हैं बड़े सिस्टमेटिकली, यानी कि कोई हाउसफुल नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऑल आर वेरी वेल, और इतने अच्छे से ये काम कर रहे हैं, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। सीनियर सिटीजन के साथ अच्छा व्यवहार हो, अच्छे उसको सारी चीज़ें मिलें, तो और उसे क्या चाहिए। और वो इनके द्वारा, और वो भी तो ये मानो कि कितने साल से मेरी, मैं F17 की प्रेजिडेंट भी हूँ, जब भी किसी कोई प्रॉब्लम होती है कभी भी फ़ोन करो, दोनों रेडी। हाँ आंटी, हम जैसे कोई हॉस्पिटल का है या कोई और भी काम है, नेवर रिफ्यूज, कभी मना नहीं किया, और मेरे तो दुआएं उसके साथ हैं, ऐसे ही सबकी सेवा करता रहे। थैंक यू वेरी मच। गौरतलब है कि ऐसे फ्री चेकअप कैंप गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बेहद जरूरी साबित होते हैं, जो कि बड़े टेस्ट करवाने में असमर्थ रहते हैं। लिहाजा जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी लगातार आयोजित किए जाते रहें, ताकि गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को एक बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।